26 जनवरी को फाइटर आई थी जिसने अच्छी कमाई करी थी, उससे पहले 11 जनवरी को हनुमान मूवी रिलीज हुई थी, उसने भी अच्छी कमाई करी। मतलब जनवरी के महीने में दो ऐसी मूवीज थी जिन्होंने अच्छा पैसा कमाया है। और हनुमान मूवी की तो क्या बात करें, इस मूवी ने तो 15 से 20 गुना ज्यादा तक प्रॉफिट दर्ज किया है। फरवरी के महीने में भी कोई खास मूवी रिलीज नहीं हुई है, सिर्फ शाहिद कपूर और कीर्ति सेन की तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, ये मूवी फरवरी में रिलीज हुई है। बाकी सब छोटी छोटी मूवी थी, वो भी इतना पैसा नहीं कमा पाई। इस मूवी का जो कमाई है वो 100 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, ठीक है। फाइटर को रिलीज हुए लगभग 26 दिन हो चुके हैं, 27वां दिन था कल फाइटर का, और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का कल 12वां दिन था थिएटर में। इन दोनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट आ चुकी है, उसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइटर मूवी के बारे में। फाइटर मूवी का जो बजट था वो 250 करोड़ रुपये था, कल फाइटर का 27वां दिन था थिएटर में, कल इसने सिर्फ 70 लाख रुपये के करीब कमाई करी। मतलब अब इसकी कमाई करोड़ों से लाखों रुपये में जा चुकी है। परसों भी इस मूवी ने 70 लाख रुपये कमाए थे। अब इसी के साथ इसका जो टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन हो जाता है वो 207 करोड़ रुपये हो जाता है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका 345 करोड़ रुपए हो जाता है। और इस बात के चांसेस बहुत ही कम है कि ये मूवी 400 करोड़ रुपए क्लब में शामिल होगी, क्योंकि 23 फरवरी को दो नई मूवीज आ रही हैं, विद्यु जामवाल की आ रही है क्रैक और यामी गौतम की आर्टिकल 370 मूवी, और दोनों ही मूवीज का काफी ज्यादा बज है। जो आर्टिकल 370 मूवीज है वो कश्मीर से धारा 370 हटाने की पूरी कहानी है। मतलब उसके अंदर एक हिस्सा दिखाया गया है कि इससे पहले क्या था और इसके बाद में क्या क्या चेंजेस आए इस मूवी के अंदर दिखाया गया। इस मूवी के अंदर यामी गौतम है, प्रियमणि है और हमारे रामजी अरुण गोयल जी हैं। दूसरी तरफ विद्यु जामवाल की मूवी क्रैक है, उसके अंदर अर्जुन रामपाल हैं, नूरा फतेही है और एमी जैक्सन है। और ये पूरी की पूरी एक्शन पैक मूवी, अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो इसमें ज़बरदस्त एक्शन और स्टंट आपको देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों मूवीज़ के आने के बाद में फाइटर और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के कलेक्शन पर भारी गिरावट आने वाली है। चलिए बात करते हैं शाहिद कपूर और कीर्ति सेन की तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया इस मूवी के बारे में। और कल इस मूवी का 12वां दिन था थिएटर में और कल इसने 2.5 करोड़ रुपए कमाए हैं। इससे इसका डोमेस्टिक कलेक्शन हो जाता है लगभग 63 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड ग्लोबल कलेक्शन हो जाता है 107 करोड़ रुपए। अब 75 करोड़ रुपए में बनी ये मूवी ऑलरेडी हिट साबित हो चुकी है। अब ये देखना होगा कि ये मूवी क्या 200 करोड़ रुपए क्लब में एंटर हो पाएगी, क्योंकि 23 तारीख को दो बड़ी मूवीज रिलीज हो रही हैं, इससे इसके कलेक्शन पर भारी फर्क पड़ने वाला है। वैसे इन दोनों बड़ी मूवीज के साथ में एक मूवीज और है जिसका काफी बज था, वो है गुरु रंधावा की कुछ खट्टा हो जाए मूवी के बारे में। इस मूवी से वो अपना बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे थे इसमें, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहले 3 दिनों में इस मूवी ने लगभग 1.2 करोड़ रुपए कमाए। मंडे और ट्यूजडे को ये मूवी बहुत जगह से उतर गई। अब हाल यह है कि इस मूवी का जो टोटल कलेक्शन है ग्लोबल वो 1.40 करोड़ रुपए हो चुका है और इसका जो बजट है वो 30 करोड़ रुपए था। तो ये मूवी तो 5 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाई और ये गुरु रंधावा के करियर की पहली मूवी और पहली डिजास्टर मूवी साबित हो चुकी है। तो दोस्तों ये तो थी आज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार।